हेलोवरी वन वेलकम बैक टू ओ टू आई एस अकेडमी यूट्यूब चैनल सो हम आज एक और चैप्टर करेंगे अपनी पॉलिटी बाइट सीरीज में जिसमें हम डिफरेंट चैप्टर्स को कवर कर रहे हैं सीरियल वाइज पॉलिटी के सो so, आज का जो टॉपिक होगा दैट इज़ रिलेटेड टू एमरजेंसी प्रोविजन्स सो uh, so, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इस पर्टिकुलर लेक्चर की पी डाउनलोड करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ओ टू आई एकेडमी प्लस आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं ओ टू आई एस अकेडमी ऐप जिसमें आपको पॉलिटी बाइट सीरीज के सारे लेक्चर्स का पीडीएफ मिलेगा प्लस बाकी सब्जेक्ट्स को लेके जो हमारे इंस्टीट्यूट से आपको हेल्प है वो उसमें फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है जिसको आप डाउनलोड करके अपने स्टडी uh, प्रपरेशन uh, के लिए यूज़ कर सकते हैं So, let's start with today's topic, जो है एमरजेंसी प्रोविजन ये क्यों लाया गया क्या इसका ऑप्शन है इसको हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे एंड दिस विल बी अब लेक्चर बट एंड ऑफ दिस लेक्चर यू विल बी क्लियर विद ईच एंड एवरी आर्टिकल रिलेटेड केसेज अमेंडमेंट प्लस द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आज तक इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछे गए हैं और द वराइटी या फोकस एरियाज जैसे इस चैप्टर को डील किया जा सकता है सो so, जब हम बात करते हैं इमरजेंसी, इमरजेंसी का मतलब क्या होता है अब एकदम से कोई सिचुएशन अराइज हो जाए ठीक है उसी चीज जब हम बोलते हैं कि इमरजेंसी आ गया, इमरजेंसी मीन्स इट्स इसी टाइम पे कुछ चीज़ करी जाए कोई ऐसा सिचुएशन आ रहा है आपातकालीन स्थितियां जब आ जाएँ ठीक है उसी चीज़ को हम बोलते हैं इमरजेंसी प्रोविजंस तो पर्टिकुलरली जब बात करते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर तो ये मेंशन है हमारा पार्ट नंबर एटीनथ के ऊपर एंड आर्टिकल्स जो हैं दैट इज़ थ्री फिफ्टी टू थ्री सिक्सटी ठीक है 352, 360, जिस जब हम बात करेंगे एमरजेंसी की तो हम सबको दो तीन चीज़ें पता होती हैं दैट इज़ आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स एंड सिक्सटी ठीक है इसमें क्या है इनको हम डिटेल में बढ़ेंगे आगे सो so, पहली बात है कि आपको याद होना चाहिए कि पार्ट कौन सा अवेलेबल है सो बेसिकली व्हाट इज इमरजेंसी तो एक अगर हम नॉर्मल सा डेफिनेशन देखें दैट इज स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन इंडिया रेफर्स टू अ पीरियड ऑफ गवर्नेंस दैट कैन बी प्रोक्लेम बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग सर्टेन क्राइसिस एंड सिचुएशंस देखिए हमारा जो इंडिया है उसमें है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये कह रहा है कि जब इमरजेंसी आती है आप इससे अभी कुछ भी मत समझिए सिर्फ आप इतना देखिए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से जब एक प्रेजिडेंट उसमें इशू कर देगा ठीक है प्रेसिडेंट का जब रोल आ जाएगा कंट्रोल के ऊपर दैट इज कॉल्ड इमरजेंसी ठीक है ये है हमारा मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके हमारे देश को लेके फाइन सो बेसिकली अब हम देखेंगे पहले जब हमने सोर्सेज वाला चैप्टर किया था उसमें भी हमने किया था कि जो इमरजेंसी के प्रोविजनस है वो मैंशन कहाँ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन में लेकिन जो तो उसके सस्पेंशन के रिलेटेड हम देखते हैं दैट इज़ वेमर कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा जर्मनी का ठीक है ये दो चीज़ें मैंने आपको उसमें भी बार बार कंप्लीट की थी कि जब बोरोइंग की बात आएगी दैट इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन एंड जब सस्पेंशन की बात आएगी फंडामेंटल राइट्स को लाइक उसमें हैं फंडामेंटल्स के इमरजेंसी के दौरान दैट इज फ्रॉम व्हेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ छमनी ओके देन बेसिकली अब इसमें हम पढ़ेंगे कि इमरजेंसी के दौरान होता क्या क्या है सो सी पहले हम इसमें अगर नॉर्मल सी एक बात पढ़े तो दैट इज इंडिया का जो हम बात है हम पढ़ते हैं कि इट इज अ फेडरल स्ट्रक्चर ठीक है तो जब हम फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं एंड इसको हम एक बेसिक बेसिक फीचर भी मानते हैं ठीक है तो जब बात आएगी बेसिक फीचर की बेसिक फीचर के बाद लेकिन जब इमरजेंसी की बात आएगी तो वो फेडरल से हमारे जो पार्लियामेंट है या हमारी जो गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर बना देगा दैट इज यूनिटरी और वो कैसे होगा वो हम जब रिस्पेक्टिव एमरजेंसी डिटेल में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे ठीक है so, सो इसमें क्या बोला है कि एमरजेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल इन स्टेट्स आर इन द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द यूनियन नेक्स्ट इज फेडरल स्ट्रक्चर बिकम्स यूनिटरी ये मैंने आपको बोला लेकिन देखिए मैंने बोला कि इज अ बेसिक फीचर हमने पढ़ा था कि एक कॉन्टीट्यूनल अमेंडमेंट्स की जानी चाहिए लेकिन ये कह रहा है कि फेडरल स्ट्रक्चर से यूनिटरी बन जाएगा लेकिन उसके लिए आपको पर्टिकुलरली अमेंडमेंट नहीं लाने पड़ेगी बिकॉज जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए एक प्रोसेस पढ़ा था उसका एक प्रोसीजर है हम पढ़ रहे हैं एमरजेंसी मान लीजिए आज कोई ऐसी सिचुएशन अराइज हो जाती है तो क्या पहले हम फॉलो करेंगे कि हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसमें हमारे देश को अगर हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत तो है उसको एट स्पॉट अप्लाई किया जाए दैट इज वॉट कॉल्ड एमरजेंसी का सोल्यूशन एट स्पॉट होना चाहिए सो दिस दीज आर द प्रोविजन विच आर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू द मैंजेंसी नेक्स्ट इज़ सो बेसिकली इसके बिहाइंड का जो क्यों इसको है वही है सॉब्राइनिटी यूनिट इंटीग्रिटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम एंड क्योंकि कुछ ऐसा कुछ हो जाए तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को तोड़ के जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में पढ़ा था हम अपने देश को बचाने के लिए उसी टाइम पर कुछ चीज़ अप्लाई कर दें ताकि उस एमरजेंसी सिचुएशन से हम सबको बचाया जा सके सो नेक्स्ट इज़ ये है तीन मेन आर्टिकल्स जो बात करते हैं इमरजेंसी की जब बात करते हैं हम आर्टिकल 352 को तो उसको हम बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी जब बात करते हैं 356 को तो इसको बोलते हैं प्रेसिडेंशियल रूल या कॉन्स्टिट्यूशन फेल मशीन कुछ ठीक है एंड इज रिलेटेड टू द फाइनेंशियल ओके अब आप देखिए जब मैंने आर्टिकल थ्री लिखा है दैट इज ड्यू टू वॉर एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म रिविलियन अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है वो अब हम पढ़ेंगे डिटेल में सो वेन इट कम्स टू द नेशनल इमरजेंसी ठीक है तो नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा देखिए जब भी हम किसी एमरजेंसी की बात करेंगे तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है दैट इज प्रेजिडेंट ठीक है तो इनमें जो uh, इमरजेंसी लगाने का जो प्रोविजन है या जिसके पास पावर है वो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के पास ही तो इसमें प्रेसिडेंट की मर्जी और उसकी सेटिसफेक्शन जो ग्राउंड्स उसमें दिए हैं उसमें जो कम्प्लीटली पावर है दैट इज़ विद आर प्रेसिडेंट बट क्या वो जुडिशल रिव्यू के अंडर आएगा नहीं आएगा उसका भी एक अपना अलग प्रोसेस है उसके पीछे भी कुछ अमेंडमेंट है वो हम विद द फॉलोइंग लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे ओके सो वेन इट कम्स टू द नेशनल एमरजेंसी तो हम जब भी तीन एमरजेंसीज पढ़ेंगे तो जो मेन हेड, जो मेन पावर है दैट इज विद हर प्रेजिडेंट ठीक है सो व्हेन प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइडी एक्सटर्नलाइ्रेशन है तीन चीजों का मतलब बढ़ते हैं एक तो है वॉर वट डिस वर्ल्ड वॉर मीन्स वॉर मीन्स की मान लीजिए हमारी कंट्री है इंडिया कोई सेकेंड कंट्री है कोई भी एक्स और वाई कंट्री है इन्होंने फॉर्मल डिक्लेरेशन दे दिया कि अब हम दोनों के बीच में लड़ाई होगी या वी विल Fight, कुछ भी ऐसा होगा तो दैट इज एज वॉर बट एक एक्स कंट्री है एक वाई कंट्री है लेकिन इन दोनों से दोनों की तरफ से कुछ वेपन यूज किए जा रहे हैं कुछ चीजें यूज की जा रही हैं लेकिन वो फॉर्मली डिक्लेयर नहीं है उसको बोलेंगे एक्सटर्नल एग्रेशन एंड वट इज आर्म रिबिलियन इसके पीछे की स्टोरी अब हम कुछ नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे ओके okay? तो जब ये तीनों सिचुएशंस आरइज होंगी तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो एक नेशनल इमरजेंसी लगा सकेंगे बट क्या नेशनल इमरजेंसी डायरेक्टली उनके थ्रू लग जाएंगे नहीं पहले जो आएगा कैबिनेट के थ्रू ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि अप्रूवल नेशनल इमरजेंसी लगाने का जो तरीका है कोई प्रोसीजर है देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चीज़ विदाउट प्रोसेस और प्रोसीजर नहीं चलती है सो एवरीथिंग हैज़ इट्स ओन प्रोसीजर तो नेशनल इमरजेंसी लगाने का क्या प्रोसीजर है सो so हम इसको हम करेंगे अभी इस पर्टिकुलर स्लाइड्स में आप देखिए कि हमारा जो नेशनल इमरजेंसी लगाने का जो ग्राउंड है दैट इज वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म रिबिलियन जब इमरजेंसी लगेगी वॉर और एक्सटर्नल एक्सटर्नलेशन के ऊपर दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल इमरजेंसी जब लगेगी आर्म्ड डिबिलियन के ऊपर देन इट इज कॉल्ड इंटरनल इमरजेंसी ठीक है और दूसरी बात इसमें आप एक अमेंडमेंट ध्यान रखिएगा दैट इज फोर्टी सेकेंड अमेंडमेंट इसमें यह बोला गया था कि जरूरी नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी जब लगाई जाएगी तो पूरे के पूरे देश के ऊपर लगेगी इट कैन अप्लाई टू द सर्टेन पार्ट्स ऑल्सो मान लीजिए अट्ठाईस स्टेट्स में से किसी चार में आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे सिचुएशन ज़्यादा खराब है सो so पावर है कि आप सिर्फ इन चार स्टेट्स में इमरजेंसी लगा सकते हैं ओके okay? फिर अब हम पढ़ेंगे नॉर्मली इसी पर्टिकुलर अभी हमने एक वर्ड पढ़ा आर्म रिपिलियन तो क्या स्टार्टिंग से वॉर एक्सटर्नल एग्रेशन और तो हमारा स्टार्टिंग से ही कॉन्स्टिट्यूशन में सेम लाइन में था बट वेन इट कम्स टू द आर्म रिबिलियन ये एड हुआ था फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ठीक है इसके पीछे का रीज़न क्या था पहले था इंटरनल डिस्टर्बेंस होता क्या था कि जब भी कुछ भी हल्का सा कुछ होएगा ठीक है नॉर्मली कंट्री के अंदर कुछ भी सी डिस्टर्बेंसेज चलती रहती थी रिलेटेड टू गवर्नमेंट कोर्ट कुछ भी तो अगर इंटर, जब इंटरनल डिस्टर्बेंस था तो उस टाइम पे पार्लियामेंट के पास पावर थी कि वो रिटर्न उसमें देके कभी भी एमरजेंसी लगवा सकता है बट वेन इट केम टू द फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लगाया गया और उसमें एक टर्म मैंशन किया गया दैट इज आर्म्ड रिबिलियन फाइन तो आम रिविलियन जब होगा आर्मी के रिलेटेड होगा तो उसमें आपके लिए फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंडर इस वर्ड को चेंज कर दिया गया था इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट के अंदर और चीज़ें भी लिखी गई थी दैट इज़ कि कैबिनेट को रिटर्न रिकमेंडेशन देना पड़ेगा प्रेजिडेंट को हुआ क्या था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ये चीज़ फॉलो नहीं की गई थी उसमें क्या किया था डायरेक्ट इंदिरा गांधी जी ने बोला था प्रेजिडेंट को एक लेटर दिया कि आप लगा दीजिए और वो एमरजेंसी लगा दी गई थी इसीलिए उसके बाद जो चीज़ मैंशन हुई वो यही थी कि रिटर्न रिकमेंडेशन नेसेसरी है पर्टिकुलरली कैबिनेट को uh, वो करने के लिए कंटिन्यू करने के लिए एमरजेंसी देने के लिए नेक्स्ट इज सिंपल पहले था कि सिंपल मेजोरिटी से आप पास कर सकते हैं बट नाउ इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में ये डिसाइड किया गया कि स्पेशल मेजोरिटी से ही दोनों हाउसेज को इस पर्टिकुलर एमरजेंसी को अप्रूव करना होगा उसी के बाद इसको लगाया जा सकता है एंड नेक्स्ट इज कि एक बार पहले uh, अगर एक बार इसको दोनों हाउसेज ने अप्रूव कर दिया तो ये कितने टाइम के लिए लगाई जाएगी छः महीनों के लिए उसके बाद आपको री अप्रूवल लेना पड़ेगा जिसके लिए सेम वही प्रोसेस फॉलो होगा ओरिजिनली क्या था कि एक बार अगर लगा दी गई तो किसी भी टाइम तक लगाई जा सकती थी ठीक है सो इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट में आपने चार चीज़ें देखी एक ये कि रिविलियन वर्ड को एंटर किया गया रिटर्न रिकमेंडेशन को इम्पॉर्टेंट बोला गया स्पेशल मेजोरिटी लेके आए गए और दूसरी बात छः महीने के लिए इसको लागू किया गया नेक्स्ट सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी थी दैट इज़ नॉट बट चाइना के जब चाइना और इंडिया के बीच में अटैक हुआ था उस टाइम पे 1962 से 1968 अब देखिए जब तक ये अमेंडमेंट नहीं आई थी तो आप एक चीज़ देखिए कि बार बार आ, कितना टाइम लिमिट के लिए हमने लगाया सो so, पहली जो एमरजेंसी है दैट इज़ नाइनटीन सिक्सटी ठीक है नीयर अबाउट सिक्स ईयर्स देन उसके बाद थर्ड लगाई गई थी नाइनटीन में थर्ड इज नाइनटीन सेवेंटी फाइव से नाइनटीन सेवेंटी सेवन दो साल के लिए सो so, ये अप्रूवल की बात इसमें तो आपको सिर्फ ये तीन एमरजेंसी इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट बट ऐसे नॉर्मल नॉलेज के लिए कि कब कब एमरजेंसीज लगाई गई हैं सो so, पहला जब चाइना और इंडिया का अटैक था सेकंड वॉज पाकिस्तान अटैक एंड थर्ड इज वॉज इंटरनल डिस्टर्बेंस इट वॉज रिलेटेड टू इंदिरा गांधी जी के टाइम पर ये इंटरनल डिस्टर्ब और इस टाइम पर बहुत सारी अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा चेंजेस लाए गए थे पार्लियामेंट के दौरान जो इसमें सबसे बड़ा चेंज था वो ये था कि प्रेजिडेंट की जो सेटिस्फैक्शन होगी वो फाइनल होगी इस पर कोई नहीं किया जा सकता कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं किया जाएगा so, so प्रोक्लेम तो कर देंगे लेकिन उसके बाद वही सेम डेट पे पार्लियामेंट के पास भी ऑप्शन जाएगा एंड पार्लियामेंट को अप्रूव करना पड़ेगा अब इसको हम एक छोटी सी से समझते हैं मान लीजिए जनवरी एक को प्रेजिडेंट ने प्रोक्लेम कर दिया ठीक है जब बात प्रोक्लेमेशन क्या है कि नेशनल सी इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको ये देखना पड़ेगा कि तीनों इमरजेंसीज में किस चीज से अमेंड किया जाएगा दूसरा टाइम पीरियड क्या है अप्रूवल का और रिवोकिंग का कौन रिवोक कर सकता है कौन अप्रूव कर सकता है कितने टाइम में कर सकता है तो ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी बेसिकली सो so, इसमें देखिए अब इसको अगर हम एग्जाम्पल से पढ़ें तो जनवरी अगर जनवरी में प्रोक्लेम की जाती है नेशनल इमरजेंसी ठीक है और पार्लियामेंट के पास भी एक जनवरी को ही वो चली जाएगी फाइन तो विद इन वन मंथ तो वन मंथ तक तो नेशनल इमरजेंसी चलेगी ही चलेगी लेकिन इस वन मंथ में दोनों हाउसेस को भी इस पर्टिकुलर इमरजेंसी को प्रोक्लेम करना पड़ेगा दैट इज़ स्पेशल मेजोरिटी से इस पर्टिकुलर चीज़ को पास करना पड़ेगा तभी वो फर्दर जनवरी से लेके सिक्स मंथ तक मतलब जून तक वो अप्लाई हो जाएगी केस अप्रूवल नहीं आता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ जनवरी से फेबररी तक ही चलेगी बिकॉज अप्रूवल नहीं आया ठीक है तो सेम डेट पे तो एक मींस नेशनल इमरजेंसी का जो मिनिमम टाइम है लागू होने का दैट इज वन मंथ लेकिन उसके बीच में हाँ खारिज नहीं होना चाहिए बीच में कोई प्रोक्लेमेशन नहीं आना चाहिए लेकिन एक बार प्रोक्लेम हो जाए देन इट विल बी ड्रिल जून ओके okay, तो यही चीज़ थी इसमें सो नेक्स्ट इज इसमें यही मैंशन है दैट इज़ कि दोनों हाउसेस को अप्रूव करना है विद स्पेशल मेजोरिटी और ये हमने भी देखा था कि फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही इस पर्टिकुलर चीज को ऐड किया गया था एक बार जब लागू हो जाएगी तो छः महीने के लिए इसको ये फोर्स में रहेगी लेकिन छः महीने बाद आपको फिर से दोनों हाउसेज के थ्रू सेम प्रोसीजर के थ्रू इसको अप्रूव कराना पड़ेगा ओके okay, इसमें एक और चीज़ है कि अगर मान लीजिए लोकसभा सेशन में नहीं है ठीक है लोकसभा उस पर्टिकुलर टाइम पे जब इमरजेंसी को जब इमरजेंसी को फोर्स किया गया उस टाइम पे अगर ये आ, सेशन में बैठी ही नहीं है तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा राज्यसभा को मीन उस चीज़ को पास करना पड़ेगा पर्टिकुलर इमरजेंसी को पास करना पड़ेगा एंड जब लोकसभा मिलेगी तो विद इन थर्टी डेज इसको इस बिल को पास करना पड़ेगा अगर लोकसभा पास कर देती है और राज्यसभा ने ऑलरेडी पास कर दिया है तो ये सिक्स मंथ्स के लिए अवेलेबल हो जाएगी ओके सो दैट इज रिलेटेड टू द प्रोक्मेशन बात आती है जब विद्रॉवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी की तो एक तो है कि प्रेजिडेंट डायरेक्टली उसको बोल दें कि अब इमरजेंसी खत्म होने वाली है एक पावर ये है ठीक है दूसरा अगर जब बात उसको अप्रूवल की थी जब राज्यसभा या लोकसभा को दोनों में से किसी को भी इसको अप्रूवल देना था और कोई भी एक हाउस उसको अप्रूव ना करे तो उस पर्टिकुलर टाइम एट दैट टाइम ओनली उसी स्पॉट पे उस एमरजेंसी को ख़त्म कर दिया जाएगा बिकॉज देखिए एमरजेंसी को कंटिन्यू करने के लिए प्रेजिडेंट तो प्रोक्लेम ऑलरेडी कर चुका है उसके बाद जो पावर है वो है लोकसभा और राज्यसभा के पास तो अगर लोकसभा ने अप्रूव कर दिया लेकिन राज्यसभा ने किया तो एमरजेंसी सीज टू एक्सेस वो नहीं चलेगी बट नेशनल इमरजेंसी के केस में एक स्पेशल पावर दी गई है लोकसभा को जिसमें क्या है कि अगर वन है, है? बाई अगर उस चीज का रिकमेंड करें या वो एक चीज बोले नोटिस दें अगर हाउस सेशन में है तो स्पीकर को अगर हाउस सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट को कि ये पर्टिकुलर जो इमरजेंसी है उसको हटा दिया जाए सिर्फ वन बाय टेंथ तो विद इन फोर्टीन डेज इस प्रेसिडेंट uh, को एक सेटिंग एक प्रेसिडेंट को एक सेटिंग अरेंज करनी पड़ेगी एंड उसमें सिंपल मेजोरिटी से इस पर्टिकुलर बिल को अगर पास कर दिया जाता है सिंपल मेजोरिटी मीन फिफ्टी आई डोंट थिंक सो अब आप इसको कन्फ्यूज होगा व्हेन इट कम्स टू द सिंपल मेजोरिटी इट इज फिफ्टी परसेंट ऑफ द हाउस ठीक है तो जब सिंपल मेजोरिटी से अगर उस पर्टिकुलर बिल को पास कर दिया जाएगा तो उसमें किसी का अप्रूवल कुछ जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट को बंद करना ही पड़ेगा सो दैट इज ऑल अबाउट द नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन जिसमें हमने बड़ा प्रेसिडेंट प्रोक्लेम कर देगा दोनों हाउसेज को स्पेशल मेजोरिटी से विद इन वन मंथ पास करना पड़ेगा इसमें आपको इतना ही याद रखना है कि दैट इज नेशनल इमरजेंसी के केस में आपको याद रखना है एक तो पर्टिकुलर uh, प्रोक्लेमेशन की प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करेगा दोनों हाउसेस को वो करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज़ रिलेटेड टू कि स्पेशल मेजोरिटी और जो टाइम मैंशन है दैट इज़ वन मंथ ये मैं बार बार आपको क्यों बोल रही हूँ कि विद जो अगली इमरजेंसीज हैं उनमें ये टाइम uh, जो है वो डिफरेंट है ओके सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस नेक्स्ट इज इफेक्ट्स की इफेक्ट्स क्या होगा अगर एक बार नेशनल इमरजेंसी लग जाती है तो क्या फर्क पड़ेगा हमारी गवर्नमेंट पे गवर्निंग सिस्टम पे हमारे सेंटर स्टेट पे सो so, पहला है कि स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं की जाती है लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट्स है वो कंप्लीटली कंट्रोल आ जाती है किसके अंडर पार्लियामेंट के अंडर पार्लियामेंट के अंडर कंट्रोल में आएगी दैट मीन्स यूनिटरी फीचर जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ दिस लेक्चर बोला था कि फेडरल से वो यूनिटरी में बन जाएगा ठीक है दैट इज ऑल अबाउट दिस नेक्स्ट रिफिट क्या आएगा कि पार्लियामेंट जो है वो स्टेट लिस्ट के ऊपर कभी भी उस पर्टिकुलर चीज़ में लॉ बना सकती है ठीक है देन अगर सेशन में नहीं है तो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं देन इस कॉन्टी जो सेंटर और स्टेट के बीच में रेवेन्यूज़ को लेके जो चीज़ है उसमें पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकती है ठीक है एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप ये देखिए ये नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो लोकसभा या लेजिस्लेटिव असम्बलीज का एक साल के लिए टेन्योर एक्सटेंड कर सकती है बाकी इमरजेंसीज भी ये चीज़ नहीं है बट व्हेन इट कम्स टू द नेशनल इमरजेंसी दिस पावर कम्प्लीटली लाइज विद द पार्लियामेंट कि अगर नेशनल इमरजेंसी लग चुकी है तो देखिए नेशनल इमरजेंसी के बीच मान लो कुछ इमरजेंसी हुआ है तो उस टाइम पर आप इलेक्शन तो नहीं करवा सकते हैं तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या कंप्लीटली लोकसभा का टेन्योर आप एक साल के लिए बढ़ा सकते हैं और जो सबसे बड़ा इफेक्ट है जब हम पढ़ेंगे नेशनल इमरजेंसी का दैट इज ऑफ सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट कहां से लिया हमने ये जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से ओके तो इसके ऊपर हम पढ़ेंगे दो आर्टिकल्स वन इज रिलेटेड टू आर्टिकल 358 एंड सेकंड इज रिलेटेड टू आर्टिकल 359 तो 352 356 360 नाउ इट्स 358 एंड 359 ठीक है तो देखें जब बात आई जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें टू द इमरजेंसी तो आपको वैसे भी ये क्लियर हो जाएंगे सो वैन इट कम्स टू द आर्टिकल थ्री फिफ्टी एट ये कंप्लीटली क्लियरली मैंशन करता है कि आर्टिकल नाइनटीन के अंडर जो हमारे पास छह फ्रीडम्स हैं नेशनल इमरजेंसी लगते ही वो कैंसल आउट हो जाएंगे मतलब उसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन या स्पेशल ऑर्डर नहीं देना पड़ेगा ठीक है कि हाँ अब आपके नेशनल इमरजेंसी लगी नाउ बाई दिस ऑर्डर दीज आर कैंसल नो इट इज अंडरस्टूड कंप्लीटलीटोमेटिकली जैसे ही तो आर्टिकल 19 के अंडर फ्रीडम्स आपको दी वो जब बात होगी वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन की बट इफ दीज बानल डिस्टर्बेंस तो इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर कुछ भी नहीं होगा ठीक है so, देन इट्स आर्टिकल 359 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि बाय ऑर्डर वो किसी भी फंडामेंटल राइट right को सस्पेंड कर कर सकते हैं प्लस वो कोर्ट uh, के पास जाने का जो हमारे पास फंडामेंटल राइट right है उसको भी प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर कैंसल आउट कर सकते हैं इसमें सिर्फ जो एक्सेप्शन है वो भी फोर्टी फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से एक्ट की गई है दैट इज़ आर्टिकल ट्वेंटी एंड ट्वेंटी सो आपने इन दो आर्टिकल्स में चीज़ें पढ़ी विल सी द डिफरेंस तो जब आएगी आर्टिकल थ्री फिफ्टी एट के बारी तो ये सिर्फ है आर्टिकल नाइनटीन को लेकर ठीक है ये ऑल फंडामेंटल राइट जो प्रेजिडेंशियल ऑर्डर में मैंशन होंगे नेक्स्ट इज ऑटोमेटिकल सस्पेंड कोई आपको इसमें पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं चाहिए इसमें एनफोर्समेंट का आपको ऑर्डर चाहिए नेक्स्ट इज ऑनली वर्क इन द केस ऑफ सिर्फ वॉर और एक्सटर्नल एक्सटर्नलाइज्रेशन के टाइम में इट ऑपरेट्स ऑन ऑल ग्राउंड ये किसी में भी आप इंटरनल इमरजेंसी है तब भी आप इस पर्टिकुलर चीज को अप्लाई कर सकते हैं ठीक है सस्पेंशन एंटायर ड्यूरेशन के है लेकिन इसमें ड्यूरेशन मैंशन होगी इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द कंट्री लेकिन इसमें टू द होल ऑफ द कंट्री और पार्ट ऑफ द कंट्री इट टोटली डिपेंड्स ठीक है सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवी आर्टिकल थ्री फिफ्टी एट एंड थ्री फिफ्टी नाइन इसमें आपको ये याद रखना है कि एक तो ये दोनों दीज आर रिलेटेड टू द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट प्लस आपको इसमें एक चीज याद रखना है कि आर्टिकल थ्री फिफ्टी एट है इट इज ऑनली एंड ऑनली लिंक टू द आर्टिकल नंबर नाइनटीन बट वन इट कम टू द थ्री फिफ्टी नाइन ये बाकी आर्टिकल्स को भी सस्पेंड कर सकता है ओके okay? ना नेक्स्ट वी विल सी की स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू क्या है इसमें तो देखिए जब थर्टी मैंने आपको बोला था जब हमने पढ़ा था नाइनटीन सेवेंटी फाइव वाली एमरजेंसी में उसमें बोला गया था कि जो प्रेजिडेंट की सेटिस्फैक्शन है दैट इज कम्प्लीट एंड फाइनल उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता इसीलिए थर्टी एट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट उसी दौरान ये अमेंडमेंट आई थी जिसमें बोला था कि नेशनल इमरजेंसी इज इम्यून टू द जुडिशियल रिव्यू

ठीक है नाउ दिस वॉज ऑल रिलेटेड टू द नेशनल इमरजेंसी इसको आपने देख लिया नेशनल इमरजेंसी में हमने क्या पढ़ा इट कम्स अंडर आर्टिकल थ्री फिफ्टी टू प्लस इसको प्रोक्लेम कैसे कैसे किया जाता है प्रेजिडेंट प्रोक्लेम करेंगे विद इन वन मंथ दोनों हाउसेज को अप्रूव करना पड़ेगा किससे स्पेशल मेजोरिटी से लेकिन जब इसको हटाना होगा या तो डायरेक्ट प्रेजिडेंट का ऑर्डर आएगा इसको हटाने के लिए या लोकसभा के पास पावर है कि मेंबर्स इसके लिए डाल दें नोटिस एंड एक स्पेशल होगी अगर उसमें सिंपल मेजोरिटी से पास तो इसमें ध्यान रखिएगा जब अप्रूवल की बात आएगी दैट इज स्पेशल मेजोरिटी लेकिन जब हटाने की बात आएगी दैट इज सिंपल मेजोरिटी ठीक है ये छोटे छोटे डिफरेंसेस आपको याद रखने हैं रीजन बिंग आप इन चीजों पर कंफ्यूज हो सकते हैं ओके okay? नाउ नेक्स्ट इस प्रेजिडेंट्स रूल प्रेजिडेंट्स का रूल मतलब कंप्लीट पावर किसके पास आ जाएगी प्रेजिडेंट की अभी हमने जो लास्ट इमरजेंसी पढ़ी उसमें कहीं पर भी ये मैंशन नहीं था कि स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो डिसमस कर दी जाएगी बेसिकली जब हम पढ़ते हैं प्रेजिडेंट रूल्स तो उसमें सबसे पहले जो आर्टिकल थ्री फिफ्टी सिक्स से भी पहले हम पढ़ते हैं एक ड्यूटी और जो ड्यूटी मैंशन है आर्टिकल नंबर थ्री फिफ्टी फाइव के अंडर ठीक है है तो आर्टिकल 355 क्या बोलता है? कि एक सेंटर की ड्यूटी है कि एक सिंपल वर्ड्स में अगर हम देखेंगे तो, तो सेंटर की ड्यूटी है कि वो हमारे देश को या जो गवर्नमेंट्स हैं स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करें प्रोटेक्ट करें किस से एग्रेशन से वॉर से और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो हैं उनको अप्लाई करा सो आप एक बार इसका वो पढ़िए टू इंश्यू द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरियड आउट इन अकॉर्ड विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है ये सेंटर की ड्यूटी है कि जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स है वो फंक्शन कर रही हैं किससे हमारा पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अंडर ही ठीक है थेके? ये तो हमने मैंशन कर दी ड्यूटी लेकिन अगर ये ड्यूटी मान लो सेंटर कर रही है लेकिन स्टेट नहीं सुन रहा है तो क्या पनिशमेंट का कोई ऑप्शन है येस yes, पनिशमेंट का जो ऑप्शन दिया है दैट इज गिवन इन आर्टिकल नंबर थ्री फिफ्टी क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी जब फेल हो जाएगी तो और किसके पास चली जाएगी वो है हमारे प्रेजिडेंट के पास ओके सो इफ द प्रेजिडेंट इज सेटिस्फाइड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर अभी इसमें एक चीज आप देखिए रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर और अदरवाइज अदरवाइज का मतलब है प्रेसिडेंट की मर्जी

कि स्टेट में ऐसी सिचुएशन आ चुकी है कि अब स्टेट गवर्नमेंट उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है तो आप आइए और हमार हमें कंट्रोल कीजिए तो एक तो हो गया गवर्नर का ग्राउंड सेकेंड इज़ प्रेजिडेंट को ऐसा लग रहा है कि ऐसी कोई सिचुएशन राइज हो चुकी है कि अब सेंटर को उसमें या प्रेजिडेंट को ख़ुद उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा थर्ड इज़ आप एक बार आर्टिकल 365 पढ़िए देन आपको थर्ड सिचुएशन भी समझ में आ जाएगी व्हेन एनी स्टेट हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई और गिवन इफेक्ट टू एनी डायरेक्शन गिवन बाय द यूनियन एग्जीक्यूटिव

कि आपने कोई डायरेक्शन दी थी स्टेट को आपने बार बार बोला लेकिन स्टेट उस पर्टिकुलर चीज को फॉलो ही नहीं कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रहा है उसको आ, उसके खिलाफ जा रहा है तो भी उस पर्टिकुलर तीसरी सिचुएशन है कि स्टेट जब डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेगा तो उस टाइम पे प्रेजिडेंट रूल लगा दिया जाएगा सो ग्राउंड हमने जो पढ़ा रिपोर्ट बाय द गवर्नर सेकेंड इज प्रेजिडेंट्स का सेटिस्फेक्शन एंड स्टेट टू नॉट फॉलो द ऑर्डर ओके सो नेक्स्ट इज हेयर कम्स द प्रोक्मेशन कि इसको प्रोवोक कैसे किया जाता है तो प्रेजिडेंट रोल को प्रोक्लेम करने के लिए डायरेक्टली एक चीज़ है कि वो दोनों हाउसेज को सिंपल मेजोरिटी से पास करना चीज़ वही रहेगी कि पहले प्रेजिडेंट प्रोक्लेम कर देंगे उस पर्टिकुलर डेट पर एंड उसी पर्टिकुलर डेट पे पर पार्लियामेंट के वो ऑप्शन जाएगा एंड पार्लियामेंट को सिंपल मेजोरिटी से लेकिन उसका टाइम क्या है इसमें दो चीज़ें डिफरेंट हुई नेशनल एमरजेंसी से दैट इज़ ये सिंपल मेजोरिटी एंड नेक्स्ट इज टू मंथ्स ठीक है पिछले में नेशनल इमरजेंसी में जब हमने पढ़ा था दैट वाज वन मंथ एंड द स्पेशल मेजोरिटी बाकी लोकसभा वाला जो आर्टिकल है वो दैट इज सेम कि अगर लोकसभा उस टाइम पे सेशन पे नहीं है तो जैसे राज्यसभा को मीन वाइल पास करना पड़ेगा प्लस क्योंकि सी राज्यसभा तो कभी भी विदाउट सेशन नहीं होगा बिकॉज तो राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस तो उन पर्टिकुलर अगर दो महीने हैं दो महीने में राज्यसभा को इस पर्टिकुलर चीज को पास करना पड़ेगा अगर अप्रूव कर दिया राज्यसभा ने तो जैसे ही लोकसभा सेशन में बैठेगी ठीक है तो विद इन पर्टिकुलर थर्टी डेज इसमें भी फर्स्ट रिटिंग से तीस दिन ही टाइम है तीस दिन में ही लोकसभा को भी इस पर्टिकुलर इमरजेंसी को अप्रूव करना पड़ेगा किससे सिंपल मेजोरिटी से ओके बाकी इसमें यही चीज मेंशन है देखिए लेकिन इसमें एक चीज डिफरेंट है दैट इज हमने जो पढ़ा था सिक्स मंथ्स वाला पॉइंट इसमें भी वैलिड है ठीक है लेकिन इसमें एक चीज और है दैट इज ये मैक्सिमम तीन साल के लिए अप्लाई की जा सकती है लेकिन जो तीन साल का जो ऑप्शन है वो कैसे होगा अगर मान ली एक साल से ज़्यादा अगर आपको एमरजेंसी लगाने छः महीने में आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा अप्रूवल हो गया उसको कंप्लीट हो गया जैसे मान लीजिए सेम हम एग्जाम्पल लेंगे जनवरी में लगी जून तक चली दोबारा आपने लिया फिर दिसंबर तक चली ठीक है लेकिन अब आपको उसके ज़्यादा कंटिन्यू करनी है तो प्रेजिडेंट रूल को दोबारा एक साल से ज़्यादा अप्लाई करने के लिए आपको पहले दो जो प्रोविजंस हैं उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा अगर वो दो चीज़ें हैं तभी आप एक साल से ज़्यादा प्रेजिडेंट रूल को लगा सकते हैं सो so, फर्स्ट कि किसी भी पार्ट में अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है तो आप प्रेजिडेंट रूल को एक साल से ज़्यादा अप्लाई कर सकते हैं सेकेंड इज इलेक्शन कमीशन ये बोल देता है बेसिकली वट इज़ दिस प्रेजिडेंट रूल की कॉन्स्टिट्यूशन का फेलियर मीन्स गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं कर रही है स्टेट गवर्नमेंट की तो अगर इलेक्शन कमीशन ये बोल देता है सर्टिफाई कर देता है कि हाँ इस पर्टिकुलर जगह पर अभी इलेक्शन नहीं करवाए जा सकते हैं तो उस पर प्रेजिडेंट रूल को एक साल से ज़्यादा भी कंटिन्यू किया जा सकता है ओके सो दीज आर द टू कंडीशन इन दोनों कंडीशन में कुछ भी होगा तो प्रेसिडेंट रूल को एक साल से ज़्यादा uh, अप्लाई किया जा सकता है नेक्स्ट इज पावर क्या प्रेसिडेंट के पास पावर्स आ जाती हैं जब प्रेसिडेंट रूल उसमें अप्लाई किया जाता है सो फर्स्ट इज़ ही कैन पिक अप द फंक्शंस ऑफ़ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर्स वेस्टेड इन द गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट वो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स थी गवर्नर की पावर्स थी उन सबको फंक्शन अकेला कर सकता है दैट इज़ प्रेजिडेंट ठीक है बाकी जो प्रेसिडेंट है वो इसमें ये चीज़ बोल सकता है कि जो पहले स्टेट गवर्नमेंट पावर आ, पावर्स फंक्शन कर रही थी अब वो कौन करेगा पार्लियामेंट सेम इज़ नेक्स्ट स्टेप जिसमें ये बोला था कि आ, जो भी अब एक अथॉरिटी या स्टेट की अथॉरिटीज के लिए जो काम कर रहे हैं या जो भी स्टेप सी कंप्लीटली प्रेजिडेंट रूल का मतलब है कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही थी या जो अथॉरिटीज़ काम कर रहे थे वो सब कौन करेगा दैट इज प्रेजिडेंट ठीक है एंड नेक्स्ट इज लास्ट वन इज कि जब एमरजेंसी लगा दी जाएगी तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो सी, जब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की तो एक होता है ठीक है Legislative Council, तो it's will के हर स्टेट के तो नहीं है तो जो Council of Minister है वो डिसमिस हो जाएगी ये होगी कि नहीं होगी दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेसिडेंट लेकिन हाँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डेफिनेटली हुआ ना टू बी डिसमिस्ड ड्यूरिंग द प्रेजिडेंट रूल लगेगा काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री विल बी डिस ओके नेक्स्ट इज हाँ या तो सस्पेंड होगी या डिजोल्व होगी दैट इज रिलेटेड टू द प्रेजिडेंट ऑनली नेक्स्ट इज की जो स्टेट गवर्नर है ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेजिडेंट वो फंक्शन कर सकते हैं चीफ सेक्रेटरी और बाकी अथॉरिटीज़ की हेल्प से ये कौन डिसाइड करेगा ये भी प्रेजिडेंट डिसाइड करेगा कि हाँ अब पर्टिकुलर जो फंक्शन हो गया वो गवर्नर अगर कैरी कर रहा है तो किसके हेल्प पर करेगा बट मेन डिसीजन किसके पास लाई करते पावर दैट इज विद द प्रेजिडेंट ऑनली नेक्स्ट इज जो स्टेट लेजिस्टिव बिल्स एंड स्टेट बजट है वो भी पार्लियामेंट पास करेगा मीन्स कंप्लीटली पावर विद द पार्लियामेंट एंड प्रेजिडेंट ये जब आप पी डीएफ डाउनलोड करेंगे आप एक बार इनको रीडिंग देंगे तो आपको वैसे भी समझ में आ जाएगा कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन क्या बोलता है प्रेजिडेंट को क्या पावर देता है ठीक है सेम इज ऑर्डिनेंस प्रेजिडेंट दे सकते हैं प्लस स्पेशल अथॉरिटीज है प्रेजिडेंट रूल के अंदर रिपील कर सकते हैं रीनेक्ट कर सकते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के लॉज को येस सो दैट्स ऑल अबाउट द पावर्स ऑफ द प्रेजिडेंट इसमें हमने आपने क्या क्या पढ़ा कि प्रेजिडेंट के पास कंप्लीटली पावर शिफ्ट हो जाएगी सेकेंड है कि वो ऑर्डिनेंस दे सकते हैं प्रेजिडेंट लेकिन आपको एक चीज़ ये देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए प्रेजिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस पास किया है ठीक है तो वो कब तक तो अप्लाई होगा अगर उस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस को कंटिन्यू रखना है तो जैसे ही हाउस सेशन में आएगा उनको वो पास करना पड़ेगा अगर वो पास हो जाता है ठीक है तो वो लॉ बन जाएगा अदरवाइज उसको रिपील कर दिया जाएगा ठीक है सो दैट इज पावर जब वो एक बार फिर से मिल जाएंगे सो so आप एक बार आ, हाँ एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट रूल के दौरान भी जो हाई कोर्ट की पावर है उसको नहीं ले सकता या उसको सस्पेंड नहीं कर सकता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की पावर ले सकता है गवर्नर्स की पावर ले सकता है पार्लियामेंट लॉज बना सकती है बट जो हाई कोर्ट की पावर है कंसर्न की वो प्रेजिडेंट अपने अंडर नहीं ले सकता है सो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज जब हम नॉर्मली पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कि ठीक है प्रेजिडेंट का कंप्लीट कंट्रोल है तो कोर्ट्स के ऊपर भी आएगा सो नो दिस इज द एक्सेप्शन कोर्ट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है सो जब बात आ जाएगी जुडिशियल रिव्यू की तो यहाँ पे भी सेम है थर्टी एथ अमेंडमेंट में बोला गया था कि प्रेजिडेंट की जो सेटिस्फेक्शन है दैट इज फाइनल बट फोर्टी अमेंडमेंट से इसको कैंसल uh, आउट किया गया था और इसमें बोला था कि प्रेजिडेंट का भी जो सेटिस्फेक्शन दैट इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू ओके नेक्स्ट इज हाँ प्रेजिडेंट रूल कब इम्प्रॉपर होगा जब हमने बोल दिया कि लेजिसलेटिव असेंबली फेल है वो काम अच्छे से नहीं कर रही है इन सब केसेस में हम प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं बट मान लीजिए किसी मिनिस्टर ने रिज़ाइन किया या उसको डिसमिस कर दिया गया लेकिन गवर्नर ने उनको ऑप्शन ही नहीं दिया चांस ही नहीं दिया एक ऑल्टरनेटिव मिनिस्ट्री को बनाने का ठीक है तो उस टाइम पर अगर आप प्रेजिडेंट रूल लगा देते हैं तो उसको इम्प्रॉपर बोला जाएगा दैट इज़ नॉट करेक्ट ओके okay. मान लीजिए एक पार्टी है उसने मेजॉरिटी लूज़ कर दी लेकिन आपने दूसरी पार्टी को मौका ही नहीं दिया अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने के लिए ऑन द ग्राउंड तो उसमें क्या होगा उस टाइम पे पैसे रूल नहीं लगाया जा सकता है इस पर्टिकुलर इमरजेंसी के साथ हम पढ़ेंगे एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस जिसके अंदर इस पर्टिकुलर रूल के अंदर बहुत सारे चेंजेस किए गए थे एंड केस का नाम है बोमाई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया मैं बार बार आपको बोलती हूँ आप कंसर्न केसेस पढ़ते रहिए एंड ऑफ द लेक्चर्स या एंड ऑफ द जब हम ये सीरीज कंप्लीट करेंगे आपके पास बहुत सारे केसेज हैं उनकी डिटेल चीजें होंगी तो जब आरबो माई वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस था उसमें आर्टिकल 356 के अंडर बहुत सारे चेंजेस हुए थे सो बेसिकली फर्स्ट इज जुडिशियल रिव्यू का जो टॉपिक आया था वो भी इन्हीं इसी जजमेंट में आया था प्लस अगर सेटिस्फेक्शन ऑफ द प्रेजिडेंट है बी बेस्ड ऑन द रेलिवेंट मटेरियल कुछ रेलिवेंट होना चाहिए नहीं तो उसको हटा दिया जाएगा ठीक है दूसरी बात अगर उस पर्टिकुलर प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया गया या इनवैलिड बोल दिया गया तो जिस स्टेट गवर्नमेंट को जिसमें हमने बोला था कि इसमें डिसमिस कर दी जाती हैं वो रिवाइव कर देगी उसके लिए कोई स्पेशल ऑर्डर नहीं चाहिए चाहिए जैसे ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनवैलिड उसको प्रूव किया गया तो एट द सेम टाइम वही सेम जो स्टेट गवर्नमेंट है वो दोबारा फंक्शन में अपने आप आ जाएगी ठीक है और दूसरा जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिजोल्व तभी करा जाएगा जब पार्लियामेंट के हाउसेज नो उन पर्टिकुलर प्रोक्लेमेशन को प्रूव कर दिया अप्रूवल दे दिया है उसी के बाद जो हमारे पास टाइम है दैट इज टू मंथ्स का जो है उसी के बाद जो है उस पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एकदम डिसमस हो जाएगी बट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको डिसॉल्व करने के लिए आपको दो महीने का जो अप्रूवल टाइप है उसका वेट करना पड़ेगा उससे पहले आप लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसमिस नहीं कर सकते हैं सो so, रिमूवल है वही प्रेसिडेंट डायरेक्टली इसमें प्रोक्लेमेशन देगा एक और कि अब ये इमरजेंसी की जरूरत नहीं है इसको हटा दिया जाए इसमें हमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं चाहिए लास्ट इमरजेंसी जॉब हमारी है दैट इज फाइनेंशियल इमरजेंसी जो आज तक हमारे देश में कभी भी नहीं लगी है ठीक है सो आर्टिकल 360 बोलता है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में प्रोक्लेम सो इसमें भी प्रेसिडेंट अगेन फाइनेंशियल एमरजेंसी इफ ई सेटिसफाइड दैट अर सिचुएशन राइज इन यू टू विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट सेटरी इज थ्रेटेड ठीक है जब फाइनेंसिस की बारी आएगी तब तो आएगा हमारा आर्टिकल थ्री सिक्सटी दैट इज फाइनेंशियल एमरजेंसी अब इसके प्रोक्लेन के लिए भी सेम है दैट इज सिंपल मेजोरिटी टू मंथस ठीक है लोकसभा सेशन में नहीं है तो तीस दिन ये सेम है जैसे हमने पढ़ा था कैस का प्रेसिडेंट रूल का सिर्फ नेशनल इमरजेंसी का पार्ट डिफरेंट है बिकॉज नेशनल इमरजेंसी में है वन मंथ स्पेशल मेजोरिटी बाकी दोनों में है टू मंथ्स और सिंपल मेजोरिटी जो लोकसभा वाला पार्ट है दैट इज सेम इन ऑल द थ्री इमरजेंसीज कि अगर वो सेशन में नहीं है तो उसको तीस दिन के अंदर उसको अप्रूव करना पड़ेगा ठीक है सो वंस अप्रूव बाय द पार्लियामेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यूज इनडेफिनेटली बाकी दोनों में हमने क्या पढ़ा था सिक्स मंथ्स टिल इट इज रिवोक्ड एम्प्लाइंग there is नो no maximum prescribed मैक्सिमम पीरियड फॉर इट्स ऑपरेशन एंड there is नो no repeated नीड फॉर parliamentary अप्रूवल फॉर इट्स कंटिन्यूएशन ठीक है इसमें आपको कोई पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं चाहिए सो so, इसमें भी यही लिखा है कि डिसकंटिन्यू तभी होगी जब प्रेजिडेंट उसको हटाएगा प्लस इसके लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल आपको नहीं चाहिए सो so, इसमें एक बार हम फिर इफेक्ट्स पड़ेंगे तो इफेक्ट्स आएगा सबसे पहले जो हमारे फाइनेंशियल मैटर्स हैं तो फाइनेंशियल मैटर्स में क्या होगा कि किसके पास पावर चली जाएगी यूनियन के ऊपर स्टेट्स के मैटर्स के ऊपर भी सेकेंड सैलरीज और अलाउंसेस को कम किया जा सकता है जो स्टेट को सर्व कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट पार्ट इज जितने भी मनी बिल्स होंगे या फाइनेंशियल बिल्स होंगे पर्टिकुलरली स्टेट के तो वो कन्फर्म्ड प्रेसिडेंट के उसके कंफर्मेशन के लिए रिजर्व किए जाएंगे बिकॉज जब हम बिल्स पढ़ेंगे तो उसमें हम एक चीज़ देखेंगे कि जो पर्टिकुलर बिल्स हैं उनके ऊपर रिजर्वेशन ज़रूरी नहीं है इट इज़ द पावर ऑफ विद द गवर्नर कि वो पर्टिकुलर बिल को रिजर्व करता है कि नहीं करता है बट जब नेशनल फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी होगी तो उस टाइम पर गवर्नर को हर एक मनी बिल को या फाइनेंशियल बिल को प्रेसिडेंट uh, के कंफर्मेशन uh, के लिए पास करना ही पड़ेगा नेक्स्ट इज हमने एक चीज पढ़ा कि रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज जो लोग स्टेट के लिए काम कर रहे हैं लेकिन इसमें एक और चीज भी है द डायरेक्शन फ्रॉम द प्रेजिडेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंसेज ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग द यूनियन एंड जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इसमें डायरेक्टली ये मैंशनड है इसको मैंने अलग से इसीलिए डाला था या हम अलग से इसलिए पढ़ते हैं बिकॉज जजेज एंड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेज हैं उनको भी इसमें इंक्लूड किया बिकॉज बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें यह बोला जाता है कि जजेज एंड सुप्रीम जजे और, और सुप्रीम कोर्ट जो है वो इससे बाहर है ऐसा कुछ भी नहीं है दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर एमरजेंसी जब यह लगा दी जाती है नेक्स्ट आज तक यही है कि फाइनेंशियल एमरजेंसी कभी भी नहीं लगाए फाइनेंशियल क्राइसिस होता है नाइनटीन

कि आपको स्टेट्स को बचाना है 360 आपने पढ़ लिया इसका आपने पढ़ा टू अंदर अप्रूवल ये दोनों है के अंदर बाकी वेन इट कम्स टू द नेशनल एमरजेंसी तो नेशनल एमरजेंसी है स्पेशल मेजॉरिटी विद इन टू मंथ्स ठीक है कंटिन्यूशन कितना होगा सिक्स मंथ्स का जब हम पढ़ेंगे प्रेजिडेंट रूल ये हमने पढ़ा थ्री टू मंथ्स नहीं ये वन मंथ है यहाँ पे टू मंथ्स सिंपल मेजॉरिटी और अगर एक साल से ज़्यादा लगानी है देन यू हैव टू कंडीशन या तो नेशनल इमरजेंसी लगी हो या आपका क्या हो इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया हो कि हाँ अभी हम यहाँ पे इलेक्शंस uh, नहीं करवा सकते हैं थ्री सिक्स डायरेक्ट इसमें कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की हमें बाद में ज़रूरत नहीं पड़ती है सो so, क्रिटिसिजम्स इसमें क्या थे कि फेडरल करेक्टर को ये हार्म करता है बिकॉज यूनिटरी इसमें हमने बन जाता है ये हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था

नेक्स्ट इज सो दैट्स ऑल अबाउट इमरजेंसी प्रोविजन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, नाउ वी विल सी द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इसमें पूछे जाएंगे सो पहला क्वेश्चन है डायरेक्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शैल ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस तो 215, 325, 275, 355 तो आपने देखा जब हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट रूल तो हमने एक आर्टिकल किया था दैट इज 355 ठीक है जो क्या बोलता था सेंटर की ड्यूटी बोलता था कि वो स्टेट को प्रोटेक्ट करेगा एक्सटर्नल एग्रेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड इट विल मेक श्योर कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अराउंड ही हमारा स्टेट फंक्शन करे सो आंसर विल बी डी नेक्स्ट इज Which of the following are not necessarily, so मैं आपको बार-बार बोलती not only ये सब ध्यान से देखें, हमने बोला था जैसे ही प्रेजिडेंट रूल लगेगा उस पर्टिकुलर टाइम पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हटा दिया जाएगा that will be dismissed. लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसोल्यूट किया जाएगा या उसको डिजोल्व किया जाएगा दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेजिडेंट ठीक है तो पहला जो आएगा हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली नो दैट इज नॉट नेसेसरली द कॉन्सिक्वेंस इट कैन बी और इट कैन नॉट बी बट जरूर होगा ये जरूरी नहीं है रिमूवल ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द स्टेट ये सही है डिसोल्यूशन ऑफ लोकल बॉडीज ऐसा भी कुछ नहीं है सो so, इसका जो आंसर बनेगा दैट विल बी योर ए सॉरी बी ठीक है की वन एंड थ्री ओनली ये हमारे नेसेसरी कॉन्सिक्वेंस में नहीं आएगा नेक्स्ट इज राज्यसभा अलोन हैज द पावर टू डिक्लेयर दैट इट वुड बी इन नेशनल इंटरेस्ट फॉर द पार्लियामेंट टू लेजिसलेट विद रिस्पेक्ट टू अ मैटर इन द स्टेट लिस्ट सो येस जब बात हम पढ़ेंगे राज्यसभा की तो कंप्लीटली पावर अगर किसी स्टेट लिस्ट के ऊपर कभी भी अगर आपको वो बनाना है कोई लॉ तो दैट रिलाइज विद द राज्यसभा सो दिस इज करेक्ट नेक्स्ट इज ऐसा कुछ भी नहीं है दोनों के पास सेम पॉवर सो दिल बी एन ओनली नेक्स्ट इज कंसिडर दिन रिस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल थ्री सिक्सटी अ प्रोक्लेन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इ शुड सीज टू ऑपरेट एट द एक्सपायरेशन ऑफ टू मंथस अनलेस बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड इट हैज बीन अप्रूव्ड बाई द रेजोल्यूशन ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट तो जब हमने आर्टिकल थ्री सिक्सटी किया था हमने उसमें बोला था दो महीने अप्रूवल के लोकसभा और राज्यसभा के तो इसमें यही बोल रहा है कि दो महीने तक ही वो रहेगा उसके बाद सीज हो जाएगा अगर इन्होंने पास नहीं किया तो दिस इज करेक्ट नेक्स्ट इज इफ एनी प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज एन ऑपरेशन इट इज कम्पिटेंट फॉर द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया टू इशू डायरेक्शन फॉर द रिडक्शन ऑफ सैलरीज एंड अलाउंस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन सर्विंग इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन यहां तक तो हमने सारी स्टेटमेंट सही पढ़ी बट एक्सक्लूडिंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट इस स्टेटमेंट को इसने बना दिया गलत

विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट अबाउट legislative पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ emergency? ठीक है तो हमने करेक्ट हूँ ड्यूरिंग प्रेजिडेंट रूल बोथ स्टेट एंड पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन द स्टेट लिस्ट बट इन केस ऑफ रिपग्नेंसी पार्लियामेंट नो शेल प्रिवेल ऐसा कुछ भी नहीं है स्टेट पार्लियामेंट के पास कोई भी पावर नहीं रहती है कंप्लीटली पावर जो चली जाती है यूनियन के पास स प्रेजिडेंट के पास प्रेजिडेंट पार्लियामेंट को बोल सकता है कि आप इस पर्टिकुलर चीज पे लॉ बनाइए लेकिन स्टेट का कोई रोल नहीं रहता है नेक्स्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ओनली पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट लिस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर जब नेशनल इमरजेंसी की बात आती है तो उसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कैंसिल किया जाता कुछ भी नहीं मैंशनड है ठीक है सो दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट्स है तो करेक्ट पूछा है तो दर इज नाइदर वन और टू सो दैट इज ऑल अबाउट आर चैप्टर ऑफ इमरजेंसी इसके अंदर हमने सारे तीनों टाइप के इमरजेंसीज देख ली ठीक है इनको अप्रूव करने का रिवोक करने का जो इसमें ग्राउंड्स मैंशनड है अमेंडमेंट्स मैंशेंड है ये सब हमने इसमें देख लिया है प्लस टाइप ऑफ क्वेश्चन हमने इसमें देख लिया है इसमें आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो आपको याद रखना है कि कौन सी इमरजेंसी कैसे पास होगी स्पेशल मेजोरिटी से सिंपल मेजोरिटी से या आपको इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि टाइम पीरियड क्या स्पेसिफाइड है किसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत है किसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी में उसको कंटिन्यू करने के लिए कोई पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है वो इंडेफिनेटली टाइम कौन सी इमरजेंसी अगर एक बार लागू कर दी जाए तो कितने टाइम के लिए वो अप्लाइड होगी ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए रीज़न बिंग ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये आपको कंफ्यूज करेंगे तो इस पर्टिकुलर चैप्टर को हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है आई जस्ट होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो इसको आप एक बार रिवाइज करेंगे आप इसको जब डाउनलोड करेंगे आप एक दो रीडिंग देंगे तो विल बी वेरी मच क्लियर विद ऑल द फैक्ट्स एंड फिगर्स रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर चैप्टर ठीक है तो एक और चीज इसमें कौन सी अमेंडमेंट में क्या ऐड हुआ है ओरिजिनली क्या लिखा गया था जैसे नेशनल इमरजेंसी में ऐड हुआ था क्या आम रिबिलियन वर्ड सेकेंडली उसमें क्या ऐड हुआ था कि ये सिक्स मंथ्स के लिए अप्लाइड होगी उससे पहले ओरिजिनली क्या था दैट इज वॉज इंटरनल डिस्टर्बेंस दूसरी चीज क्या थी कि एक बार जब लग जाएगी उसका कोई टाइम पीरियड मैंशन नहीं था तो दीज आर द चेंजेस अमेंडमेंट्स जो आपको पता होनी चाहिए कि, कि किस अमेंडमेंट के अंदर क्या चेंज हुआ है सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर आई जस्ट होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ हो प्लस uh, इसको रिवाइज करेंगे एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन टाइप ऑफ क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आया है ठीक है एक्सेप्शन के ऊपर क्वेश्चन टू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज तक इमरजेंसी से पूछे गए थे टू जस्ट मेक श्योर कि आपको इसका टाइप पता हो कि हाँ किसी पर्टिकुलर चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं सो थैंक यू वेरी मच यू डाउनलोड दिस पीडियप फ्रॉम ऐप और टेलीग्राम चैनल एंड अब इसको रिवाइज कीजिए बार बार कीजिए छोटे छोटे जो डिफरेंसेस हैं चीज़ें हैं वो आपको क्लियर आउट इसमें हो जाएगी थैंक यू सो मच